वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गिलानी ने तकरीर की जिसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वो किसी भी किस्म की कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते अदलिया के साथ और वो किसी भी किस्म की महाज़राई की पॉलिसी पर गामज़न नहीं है। किस तरह देख रहे हैं मुख्तलिफ़ सियासी मुबस्सिरीन और तजिया निगार इस तकरीर को? इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है साबिक अमीर जमात इस्लामी जनाब काजी हुसैन अहमद साहब ने। अस्सलामु अलैकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। का गिलानी साहब ने जो वजाहत दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो एक तरदीद मांगी गई थी, आप उसको किस हद तक जस्टिफाई समझते हैं? जी, उनकी ये बात तो बिल्कुल वेलकम है कि उन्होंने कहा कि हम अदलिया के साथ कोई महाजाराई नहीं चाहती और हम उसके साथ चलेंगे जी। लेकिन अगर महाजाराई नहीं चाहते तो जो अदलिया ने कहा है कि उनको लिख कर दे दें जी कि इस तरह की कोई बात नहीं हुई थी और कोई जो वो जो एग्जेक्टिव ऑर्डर है रजू की बहाली का वो वापस ले रहे हैं जी, तो वो लिख कर दे दें। वो लिख कर नहीं देने की क्या वजह है? ये तो हुकूमत दूरी है अदालत की जो वो लिख कर नहीं देते जी। और इस तरह से अगर उन्होंने अच्छी बातें की हैं लेकिन उनके वो जरा जो बहुत तेज और तुरंत बयान दे रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं जी, तो इससे तो फिजा के अंदर एक कशीदगी पैदा होती है। काजी साहब, ये वाकई में अगली बात आपसे यही करने लगा था, जो बाबर अवान साहब जो अंदाज और जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं अदलिया के हवाले से, उससे तो वाज़ेह तौर पर महसूस होता है कि एक महाजराई वाली सूरत हाल मौजूद है। हाँ, मैं यही कहता हूँ कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जिससे कशीदगी और महाजराई की फिजा पैदा हो, और हुकूमत की वजारा भी और ये कशीदगी पैदा कर रहे हैं, और जो सीधा उनका हुक्म है उसको मानने की बजाय वो उस हुक्म की बजाय भी दूसरा रास्ता इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा काजी साहब, ये जो अदलिया पर इल्जाम लगाने की कोशिश की जाती है कि वो जुडिशियल एक्टिविज्म में इन्वॉल्व है, अपनी हदूद से क्रॉस करके कार्रवाई कर रही है, या ये कि वो भी सियासत में मुलविस हो गई है अदलिया, आला अदलिया, आप इस बात से किस तरह इत्तफाक करते हैं? जी, आला अदलिया को भी यानी वो टूल नहीं देना चाहिए, जो कुछ उन्होंने करना है वो कर ले, यानी उसमें वो मुसलसल वो टूल दे रहे हैं मामलात को जी, और इसके नतीजे में कशीदगी बढ़ रही है और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है जी, और बहुत बड़े लंबे अरसे तक गैर यकीनी सूरत हाल ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, सही नहीं है। अच्छा काजी साहब, 18वीं तरमीम के हवाले से भी जो आपने खुद इशारा किया कि फैसले जल्द आने चाहिए, तो फैसला महफूज हो चुका है लेकिन अभी तक अनाउंस नहीं हो रहा 18वीं तरमीम का, आप समझते हैं वो भी अनाउंस हो जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, जो फैसला किया गया है जरूरत है इस बात की जी कि यानी लोगों को सस्पेंस में रखने की बजाय और मुल्क में गैर यकीनी अदम एतमाद की और गैर यकीनी सूरत हाल को ज्यादा अरसे तक जारी रहने की बजाय एक तरफ लगना चाहिए। सही। अच्छा काजी साहब, मियां नवाज शरीफ भी लंदन में बैठे, कल उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपको लग रहा है कि अपोजिशन भी कोई किरदार अदा नहीं कर रही? इस वक्त जरूरत है जमात इस्लामी की, तहरीक इंसाफ की, दूसरी जमातों की कि वो खुलकर मैदान में आए? जी, मैं समझता हूँ कि असल जो इसमें रोल होना चाहिए वो अवाम का होना चाहिए जी, और अवाम को मामलात से बेदखल भी नहीं किया जा सकता और अवाम के बगैर ये मामलात दुरुस्त भी नहीं हो सकते, और मुल्क को ठीक पटरी पर डालने के लिए एक राय आमा को हमवार करने की जरूरत है और लोगों को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, लोगों को इस पूरे मामलात को दुरुस्त करने के लिए मैदान में आना चाहिए। तो वैसे आपको क्या लग रहा है काजी साहब, क्या ये मौजूदा हुकूमत इसी तरह अपने मामला चलाती जाएगी, 5 साल मुकम्मल कर लेगी? मैं तो समझता हूँ जी कि कोई फेर आईनी तरीके से हुकूमत को नहीं हटाना चाहिए, न फौजी मुदाखलत होनी चाहिए। सही। जो भी तरीका है वो जमहूरी होना चाहिए और जो भी तरीका है वो खुला होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। सही। काजी साहब, आपने पिछले दिनों एमएमए के इत्तेहाद की भी दोबारा थोड़ी सी जदोजहद और कोशिश की थी, आप समझते हैं कोई इत्तेहाद मुमकिन है दोबारा तमाम मजहबी जमातों का? जी, जरूरी भी है, मुमकिन भी है, जरूरी भी है, उसका फायदा है, फिरकावराना कशीदगी भी खत्म होती है उससे और उसके नतीजे में लोगों के अंदर भी एक एतमाद पैदा होता है और एक हकीकी अपोजिशन भी मैदान में आती है, एक ऐसी अपोजिशन जिसके रूट्स और जिसकी जड़ें आवाम में हो और जो बड़े पैमाने पर लोगों को मुतहर्रिक करने की सलाहियत भी रखती हो। लेकिन काजी साहब, पिछली दफा मौलाना फजलुर रहमान के साथ आपका एक्सपीरियंस को इतना अच्छा नहीं रहा, काफी तनकीद के कई बड़े फैसले थे जो आपको उनकी वजह से रोकने पड़े और आपको उसकी वजह से काफी मुजामत भी देखनी पड़ी, उसको आप किस तरह देख रहे हैं? इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि तमाम दीनी मजहबी जमातों का
اور دینی سیاسی جماعتوں کا اتحاد ضروری ہے. صحیح, اور آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی ممکن ہے؟ ممکن بھی ہے اور ضروری بھی ہے. درست, بہت شکریہ قاضی صاحب, انشاءاللہ آپ سے پھر رابطہ ہوگا. جناب سابق امیر جماعت اسلامی قاضی حسین احمد ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر گفتگو کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بے یقینی کی جو فضا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, سپریم کورٹ کو بھی چاہیے کہ جلد فیصلے کرے, مزید التوا میں اور تاخیر میں نہ ڈالے جائیں فیصلے, کیونکہ جب غیر یقینی کی صورتحال زیادہ طول پکڑتی ہے تو پھر لوگوں میں بھی شکوک و شبہات جنم لینے لگ جاتے ہیں اور پھر واضح محسوس ہوتا ہے کہ شاید کوئی کنفرنٹیشن کی فضا چل رہی ہے. عدلیہ کام فیصلے دینا ہے اور ظاہر ہے اس نے فیصلے دے دینے ہیں, اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس پہ کیا رد عمل ہوگا, حکومت کا کیا رد عمل ہوگا, اپوزیشن کیا کہہ رہی ہے. ظاہر ہے جب عدالت کے اندر رہ کے فیصلے ہونے تو پھر کم از کم میڈیا کو اتنا زیادہ غور و خوض سے نہیں دیکھنا چاہیے, اس کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے. اس پر مزید بات کریں گے کہ گیلانی صاحب نے یہ تقریر کیوں کی, کیوں انہوں نے تحریری وضاحت نہیں دی, البتہ تقریر کر دی ہے بڑی اہم, اور اس تقریر کی اہم بات یہ تھی کہ اس میں تمام ان کے ساتھی اور رفقا بھی موجود تھے جس میں وزراء اعلیٰ کو بھی بلایا گیا تھا خاص طور پر, کس قدر اہمیت کی حامل ہے ان کی تقریر, اس پر مزید بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ.